ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ BSF ਨੇ ਸੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ BSF ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ BSF ਦੇ DIG ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ BSF ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ BSF ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DIG ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सीमा सुरक्षा बल बहुत मजबूती के साथ सीमाओं की रात दिन चौकसी कर रहा है और यकीन कर रहा है कि किसी भी तरह का अपराध किसी भी हालत में सीमा से न हो सके। पिछले एक साल में हमने यहाँ तकरीबन 125 केजी हेरोइन पकड़ी है, 5 केजी के तकरीबन RDX पकड़ा है, इसके अलावा 3.25 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी पकड़ी है, 1 लाख रुपए की करेंसी ड्रोन के थ्रू गिराई गई थी उसको रिकवर करा है, 2 टिफ़न बम पकड़े हैं, 1 किलो अफीम पकड़ी है और इसके अलावा 8 हमने घुसपैठिए पकड़े हैं जिसमें से 3 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तानी रेंजर के हवाले करा है। अभी हमारे सामने जो मुख्य चैलेंज आया है वो है ड्रोन का और इसका सामना करने के लिए हम सभी तरह के उपाय कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान निकाला जाए और जो भी रिसिपिएंट भारत साइड पर हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। इस क्रम में सीमा सुरक्षा बल ने जो भी इंफॉर्मेशन इन रिसिपिएंट की देगा उसको 1 लाख रुपए देने का अनाउंस करा है तथा DM और मैं खुद बॉर्डर पर जा कर के पूरे गांव वालों की सरपंचों की जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनकी मीटिंग कर रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि इस ड्रग को रोकने में जो पाकिस्तान के द्वारा भेजा जा रहा है आम जनता का उसमें भागीदारी कितनी ज़्यादा जरूरी है और सभी जगह इस मैसेज को लगातार भेजा जा रहा है, अवेयरनेस फैलाई जा रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस जो मीनेस है उसको जल्दी से जल्दी काबू करने में कामयाब हों। पहले ड्रोन 1 से 2 किलोमीटर के बीच में आते थे लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 5 से 6 किलोमीटर भी, क्योंकि इन्होंने बड़े वाले ड्रोन कोटा कॉप्टर जो कहलाते हैं उसको यूज़ करने लग गया है, उसकी उड़ने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, लोड कैपेसिटी ले जाने की ज़्यादा रहती है, तो ये नया फिनोमिना आ रहा है तो हम अभी देख रहे हैं किस तरह से इसको ज़्यादा हमारी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ज़्यादा पीछे कैमरे लगाए जाएँ, ज़्यादा लाइट लगाई जाए और किस तरह सभी एजेंसीज मिल करके और गाँव के और आप लोगों के भी समर्थन से पत्रकार बंधुओं का भी इसमें सब जगह अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, क्योंकि इन रिसीवर्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये रिसीवर नहीं पकड़ाई आएंगे ये चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, लगातार पकड़ाई में पुलिस के द्वारा लगातार पकड़ाई में आते ही हैं, लगातार ये चल ही रहा है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, धीरे धीरे टाइम लगेगा क्योंकि नई तरह के अपराध होने लगे हैं तो उसमें काबू करने में थोड़ा टाइम लगता ही है और पूरी ताकत से सभी एजेंसी और सीमा सुरक्षा बल तो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि भारत की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं। गुरदासपुर तो सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।